हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पत्रकार को बैन किया तो सीएनएन ने डोनाल्ड ट्रंप पर किया केस। सिसोदिया बोले, यही फर्क है मीडिया और गोदी मीडिया में। अमेरिकी समाचार नेटवर्क सीएनएन ने व्हाइट हाउस पर केस कर दिया है। सीएनएन ने अपने पत्रकार जिम एकोस्टा की मान्यता रद्द करने के लिए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा कि एकोस्टा के साथ जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिम एकोस्टा सीएनएन के करीब 50 हार्ड पास धारकों में से एक है। सीएनएन के इस कदम पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत की मीडिया से तुलना की है। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही अंतर है मीडिया और गोदी मीडिया में। गौरतलब है कि सीएनएन ने व्हाइट हाउस पर केस करते हुए लिखा, अगर कोई रिपोर्टर इस तरह व्यवहार करता है तो व्हाइट हाउस व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, ये एक पेशेवर के लिए सही नहीं है। दोस्तों बता दें कि 7 नवंबर को व्हाइट हाउस में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और एकोस्टा के बीच कुछ सवालों को लेकर बहस हो गई थी। इसके एक दिन बाद उनका पास रद्द कर दिया गया था। पत्रकार जिम एकोस्टा अमेरिकी राष्ट्रपति से मेक्सिको के शरणार्थियों और मेक्सिको से अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के एक काफिले में सवाल करना चाहते थे, लेकिन इस सवाल के बीच में ही ट्रंप के दफ्तर में तैनात एक महिला कर्मचारी ने पत्रकार के हाथ से माइक झपटने की कोशिश की। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।